हम दूसरी पायदान पे कदम रख रहे हैं, वाक्य का दूसरा प्रकार बना रहे हैं, और इसका जो नाम है ये आपके लिए नया होगा। क्या लिखा है? आपको आपके स्कूल या कॉलेज में सिखाया गया होगा इंटरोगेटिव। तो चलिए मैं इसका राज खोल देता हूँ। बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हर प्रश्नवाचक वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, और इंट्रोगेटिव का एक प्रकार है इनवर्टेड। तो इसको कैसे पहचानोगे कि हम आगे चल के आपसे पूछेंगे कि बच्चों बताओ इन्वर्टेड सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आज तो हम जवाब तुम्हें सिखा रहे हैं, आगे तुम बता। हम पहले जवाब दे दे रहे हैं। ऐसा कोई भी वाक्य बच्चों जिसके दुनिया में केवल दो उत्तर होते हैं इन्वर्टेड सेंटेंस के पास, बताइए इन्वर्टेड सेंटेंस किसे कहते हैं? अच्छे से बोलिए, इन्वर्टेड सेंटेंस किसे कहते हैं? अब हम आपसे इसके बाद अगली बार एक प्रश्न और पूछेंगे कि इन्वर्टेड सेंटेंस की हिंदी में पहचान क्या है। हिंदी में कैसे पहचानोगे ये इन्वर्टेड सेंटेंस? तो उसकी पहचान है जिस हिंदी वाक्य के बिल्कुल शुरू में, स्टार्टिंग में क्या नाम का शब्द लगा हो, समझ जाना हो, और यही क्या शब्द अगर बीच में लग गया बच्चे को पता चल जाएगा। क्या कर एक बार रिहर्सल कर ले। इन्वर्टेड सेंटेंस की हिंदी में क्या पहचान? क्या आगे लगता है या क्या शुरू में लगता है या शुरू में क्या नाम का शब्द? तीसरी महत्वपूर्ण चीज, तीसरा बिंदु देखिएगा, इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम बहुत आसान है लेकिन आपको अजीब लगेगा क्योंकि आपको स्कूल कॉलेज में कुछ दूसरा सिखाया गया है। अभी आपको आसानी से हजम नहीं होगा लेकिन स्वीकार कर लेना बेटा, आगे चल के बहुत मदद मिलेगी। तीन उंगलियों पे हम सिखा दे रहे हैं इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम। बोलेगा सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठाकर सब्जेक्ट के आगे या सामने रख दीजिए, बस इतना करना। एक बार फिर से प्रयास कर ले, हम प्रश्न कर लेते आप उत्तर दे दीजिए। इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम बताइए। सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को सब्जेक्ट के सामने रखना।